गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, लेसन 3 फाइबर टू फैब्रिक्स, फाइबर से लेके फैब्रिक्स। ओके, अब ये देखिए, आपको मैं बता दूं कि फाइबर्स कितने तरह के होते हैं। फाइबर्स टू तरह के होते हैं, एक होता है नेचुरल फाइबर, एक होता है सिंथेटिक फाइबर। जो नेचुरल फाइबर्स होता है वो प्लांट से और हमें एनिमल्स से मिलता है। तो प्लांट से मिलने वाले फाइबर्स हमारे हैं कॉटन, लाइनिन, हैम्प, जूट, और एनिमल से मिलने वाले हैं हमको वूल एंड सिल्क। इसी तरीके से सिंथेटिक फाइबर्स में हमारा आता है नायलॉन, रेयॉन्स एंड पॉलिस्टर्स या फिर पॉल्यूरिन। ओके, अब यहाँ देखिए, नेचुरल फाइबर, जो नेचुरल फाइबर्स है वो हमें प्लांट या फिर एनिमल्स से मिलता है। अभी हमें प्लांट से मिलने वाले फाइबर्स कौन कौन से हैं? फर्स्ट है कॉटन। कॉटन जो कि बहुत सॉफ्ट होता है, गोल बॉल की तरह होता है, प्लांट, ये हमें प्लांट से मिलता है। और इसको क्या किया जाता है, प्लांट से निकाल के इसमें से अंदर से बीज को अलग करके जो वाइट बॉल होती है, इस बॉल से क्या बनाया जाता है, यार्न बनाया जाता है, यार्न या फिर थ्रेड बनाया जाता है। और फिर थ्रेड से फिर क्या बनाए जाते हैं, क्लॉथ्स बनाए जाते हैं। उसी तरीके से सेकेंड है लाइनिन। लाइनिन भी एक टेक्सटाइल है जो कि एक फ्लैक्स प्लांट से हमको मिलता है। और इसमें लेबर इंटेंसिव, इसमें लेबर्स हमारे मैन्युफैक्चरिंग के लिए लेबर इंटेंशन लगता है, और इसका यूज़ गारमेंट्स बनाने में किया जाता है। और इस ये हमको कूलनेस प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट है हेम्प। हेम्प जो है, हेम्प भी एक फाइबर्स है जो कि हमको हेम्प प्लांट से मिलता है। इसका जो स्टेम है, द स्टेम ऑफ द प्लांट इज मेड टू रोट इन वाटर फिल्ड ओपन डिचेस। रोटन स्टेम्स आर ड्राई, एंड जो उसकी रोटन जो स्टेम है उसको सुखाया जाता है और उसको फाइबर्स बीट टू सेपरेट द फाइबर्स, और उसको बीट करके मतलब मार मार के उसको, उससे फाइबर्स को अलग किया जाता है और फिर इस फाइबर्स से रोप वगैरह बनाई जाती हैं। नेक्स्ट है जूट। जूट एक सॉफ्ट साइनी और वेजिटेबल फाइबर।